हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो को दोस्तों वीडियो के एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो कि दोस्तों इस वीडियो में साझा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम सॉल्वर गैंग से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार, बांदा जेल में बंद मुन्ना भाइयों से आए थे मिलने। दोस्तों यहाँ पर बांदा जेल में पहले से जो कैदी थे उनसे जो है कुछ लोग मिलने आए थे, जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर हंगामा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर खबर में क्या है। दोस्तों मैं यहाँ पर ऑफिशियल पेज हिंदुस्तान के जो है पेज पर मैं आया हूँ। लिखा दोस्तों कि UPSS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 
पांच सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनमें तीन बिहार और दो प्रयागराज के रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं तीन बिहार और दो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समिति ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पुनर्परीक्षा जनपद में तो दो दिन हुई थी। थंब इम्प्रेशन, आई स्कैनर और आधार मिलान न होने पर पहले दिन की परीक्षा में 5 और दूसरे दिन 10 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। केंद्र अधीक्षकों ने शहर कोतवाली में इनके खिलाफ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी 15 मुन्ना भाइयों को जेल भेजा गया था। एसपी अभिनंदन ने एसओ सर्विलांस और विवेचकों की टीम रैकेट से जुड़े सरगना व सदस्यों को पकड़ने के लिए लगाई थी। टीमें प्रयागराज, लखनऊ, बिहार समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। रविवार को जेल में बंद अपने साथियों से मिलाई को आए सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने मंडी समिति कालूकुआ चौकी क्षेत्र के गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सॉल्वरों में मोहिद्दीनपुर प्रयागराज का चंद्रभान व आवास विकास, प्रयागराज का वकेश कुमार, बिहार का बिशुनपुर के राममूर्ति पटेल, पुटरी बिहार के संतोष कुमार व कुणाल शामिल हैं। शहर कोतवाल मनोज शुक्ला ने बताया कि पकड़े गए गैंग के सदस्य ही पैसा देकर मुन्ना भाइयों को परीक्षा में बैठाते हैं। एसपी अभिनंदन ने बताया कि टीमें और सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, जल्द ही और कामयाबी मिलने की उम्मीद है। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्यों का धोखाधड़ी समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट यही है कि दोस्तों बहुत ही जम करके जो है नकल किया गया है। आप देख सकते हैं 15 लोग ऑलरेडी जेल में हैं, 5 लोग और मिलने जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिल करके क्या हासिल किए होंगे और कितनी धांधली हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट खबरों के लिए UP SSC के आप हमारे पेज, हमारा यूट्यूब चैनल जुड़ सकते हैं। दोस्तों क्या भर्ती फिर से कैंसिल होगी या फिर परीक्षा होगी, इसकी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी। धांधली दोस्तों तो जम के हुई है, इसमें कोई लापरवाही बरती नहीं गई है। ठीक है, धांधली करने में सीटें बिकी हैं, पैसे चले होंगे, नकल माफिया नकल कराए होंगे, सेटिंग हुई होगी। ठीक है, आंसर शीट भी किए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। तो चलिए खैर, इसको मान करके हम आगे देखते हैं। और जहाँ कहते दोस्तों पॉसिबिलिटी है 69,000 भर्ती की तरह, जैसे टीचर की भर्ती हुई थी, नकल तो खूब हुआ लेकिन उस भर्ती को रद्द नहीं किया गया, वैसे ही इसको भी किया जाएगा। परीक्षा जो है 5 साल बाद हुई है, इसको रद्द नहीं किया जाएगा, ये भी भर्ती होकर ही रहेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।